पर वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों की लाइफ इन जनरल अच्छी चल रही होगी तो आज से कुछ दिन पहले मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था कि अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं या आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग इसका प्रिपेरेशन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आई विल ट्राई टू एंसर ऑल ऑफ देम ठीक है तो अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग कोई कि बहुत लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं कि इसका सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है कि ये नहीं होता है वो नहीं होता है तो आई विल इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कवर करूँ हालांकि मैंने आ, उनको पर्सनली मैसेज करके या मतलब टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में मैंने ऑलरेडी मैसेज करके उनको उनको रिप्लाई कर दिया है बट अगेन मेरे को लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिमिलर सिमिलर डाउट्स होंगे तो उनके लिए एक वीडियो बना देते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरे को बाय हार्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो इसका सॉल्यूशन यही है कि देखो याद तो आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं है देखो अब क्या होता है ना अब हमको स्मार्ट स्टडी करना रहता है कुछ पॉइंट्स अपने को ऐसे रीड करते ही याद हो जाता है और कुछ पॉइंट्स अपने को याद नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखो इसका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टेक्निकल जागर्न्स हैं ठीक है मतलब वो आपको यूज़ करनी ही है बट दैट डजेंट मीन कि जो बुक में है डिटो आपको एंसर शीट में वो लिख के आना है ऑब्वियसली आपको की पहचानना है सबसे पहले तो इस ये दिस ब्रिंग्स टू द सेकेंड क्वेश्चन कि मैम कीवर्ड्स कैसे पहचानें जो कि मैं आपको लेटर इस वीडियो में बताऊंगी तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि मैम हम बाय हार्ट कैसे करें तो बाय हार्ट करने के लिए देखो आपको सबसे पहले कीवर्ड्स पहचानने हैं आपको पॉइंट्स जो हेडिंग होते हैं वो सेम लिखने हैं अंदर वाले का सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है बस कीवर्ड्स प्लस ले मैन इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको हेडिंग मेन हेडिंग जो है उसको याद करना पड़ेगा ठीक है याद करने के साथ साथ आपको कीवर्ड्स समझने पड़ेंगे क्या है एंड देन उस की वो हेडिंग लिखो वो कीवर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस फ्रेम करो अपने ही लैंग्वेज में एंड या गुड टू गो ओके एंड ये सब आपने कर लिया अगर आपको याद नहीं हो रहा है आपको की वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं आपको हेडिंग्स याद नहीं हो रहे हैं तो बॉस इसका एक ही इलाज है यू हैव टू डू राइट इन प्रैक्टिस वट यू कैन डू इज अगर आपका बोध ग्रुप है या सिंगल ग्रुप है जो भी वॉट एवर मे बी द केस आप ऐसे कर सकते हो कि uh, एक हफ्ते को एक 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 हफ्ते हप, में एक चैप्टर पढ़ लो कभी एक घंटा दो कभी आधा घंटा दो कभी दो घंटा दो ऐसे करके एक कर लो और संडे uh, को एक टाइम स्टॉल बना लो कि उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए इसका इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो यू मस्ट यू मस्ट डू राइटिंग प्रैक्टिस ओके एंड इन केस यू डोंट नो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट्स देती हूँ फॉर इसका एंड मतलब मैं जैसे आज सपोज आज इवनिंग में टारगेट दे दूंगी देन यू देन नेक्स्ट डे के दोपहर को दो बजे आई विल आस्क टू क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट टारगेट एंड यू हैव टू राइट इट डाउन ओके एंड इन एक बार दो चैप्टर खत्म होने के बाद उस दो चैप्टर से मैं दस क्वेश्चंस देती हूँ एंड देन दस क्वेश्चंस को आपको टेस्ट लेने पड़ते हैं ठीक है कुछ सेल्फ चेकिंग है मैं कुछ चेक वगैरह नहीं करती हूँ जस्ट एक यू नो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट अगर हो पा रहा है तो मैं वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है तो मैं डेली ऐसे हम थर्टी डेज का प्लान किए हैं कि थर्टी डेज़ में हम इसका कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट बार में एंड रोज़ टू आवर्स का रहेगा वो ठीक है ये हमारा प्लान है उसमें तो इन केस यू वॉन्ट टू जॉइन आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है नथिंग पैसे इंक्लूडेड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम कीवर्ड्स कैसे पहचाने क्वेश्चन मैम कीवर्ड्स ढूंढ हमको जो ढूंढना रहता है कीवर्ड्स आंसर्स में वो कैसे पहचाने तो उसके लिए आपको अगेन कंसेप्ट समझना पड़ेगा एंड कीवर्ड्स यूज़ करके लेमैन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा ठीक है और अगर आप कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग की सेंटेंस क्या बोल रहा है तो दैट डजन मतलब एक ऐसा होता है ना कि हमने हेडिंग याद कर लिया हमने की key, हमने की याद कर लिया बट अंदर में क्या हो रहा है वो अपने को पता नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग और की लिखने से अपने को मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओके देन अगेन एक सिमिलर क्वेश्चन है कि uh, मेरे को बाहर का याद हो जाता है बट इंटरनल कंटेंट याद नहीं रहता है और क्या याद रखना रहता है वो भी नहीं पता रहता है तो अगेन वही सेम इसका भी आंसर होगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स ओके एंड द हेडिंग एंड द सिंपल इंग्लिश लेमैन लैंग्वेज आपको यूज़ करना है कीवर्ड्स कैसे पहचानेंगे मैं लेटर इन द वीडियो बताऊँगी ओके okay? उसके बाद है कि एक क्वेश्चन है कि मुझे नवंबर ट्वेंटी में इसका मैं फोर्टी आए इसको मैं सिक्सटी में कैसे कन्वर्ट करूँ तो अगर आपको फोर्टी नाइन आ रहे हैं विच इज अ गुड स्कोर ओके विच इज अ नॉट विच इज़ नॉट बिलो एवरेज विच इज एव एवरेज ओके फोर्टी नाइन इज अ गुड स्कोर तो यू आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर तो आपका जो चैप्टर्स में जिसमें आप वीक हो वो चैप्टर्स को स्ट्रोंग कर लो जिसमें आप स्ट्रोंग थे उस चैप्टर को स्ट्रोंगर कर लो ठीक है एंड ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ पोर्शन uh, कोई कोई चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ कुछ एरियाज हम अपन क्या कर देते हैं ऑप्शन में लीव कर देते हैं बट इन केस इफ यू आर एमिन फॉर एग्जैम्पन तो आई वुड सजेस्ट कि लीव मत करो कुछ ओके okay? देखो हालांकि मेरा भी एग्जाम्शन आया और मैंने भी लीव करके गया था चैप्टर नंबर वन में कुछ कुछ पोर्शन मैं लीव करके गई थी बट अगेन अगर आपके पास टाइम है तो मतलब ऐसा अगर आपको लीव करना भी है तो ऐसा चैप्टर लीव ऐसा कुछ पोर्शन मतलब पूरा चैप्टर लीव करो इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड चैप्टर्स तो पूरे करके जाना है हाँ चैप्टर नंबर थ्री में कुछ एरियाज़ हैं ठीक है जिसको आपको रीड करके जाना है इसको आपको अगर बाय हार्ट नहीं भी हो रहा है तो, तो ये जस्ट जो तो स्मार्ट स्टडी आपको ए बी सी एनालिसिस देखने कौन से चैप्टर के ज़्यादा हो रहे हैं कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उस आपको पास ट्रेंड्स देखने हैं उसके हिसाब से अगर आपको लीव करना है तो वैसे लीव कर सकते हैं वरना इट इज रिकमेंडेड कि कोई भी चैप्टर को ऑप्शन में मत लीव करो कोई भी कंसेप्ट को लीव मत करो अगेन दैट इज नॉट वेरी पॉसिबल कुछ कुछ कंसेप्ट तो रह ही जाते हैं एंड वीकर चैप्टर्स को स्ट्रोंग strong करो स्ट्रोंगर चैप्टर्स को डबल स्ट्रांग करो ओके ओके नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन है कि मैम अभी तक मैंने इसका पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है सो डू यू रेक और मैं ओल्ड कोर्स में हूँ सो डू यू रिकमेंड कि मैं इसका पढ़ूँ या फिर मैं न्यू कोर्स में चले जाऊँ ओके okay. तो इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं अगर आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया है एंड सेकेंड ग्रुप में आपकी देखो सेकेंड ग्रुप में न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में डी और आई ऑलमोस्ट सेम है ओके okay? इसका साउंड करता है कि बहुत हार्ड है बट रियल में हार्ड नहीं होता है बस अपने मन में अपन बैठा लिए हैं कि इसका इज़ अ वेरी हार्ड सब्जेक्ट इसमें एग्जामेशन नहीं लाया जा सकता है ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है अगेन इट्स अप टू यू कि आप अगर आपके पास वो जज्बा है कि अगर आप अपनी नेगेटिविटी अबाउट इसका सब्जेक्ट को हटा के खुद से स्टार्ट कर सकते हैं तो येस yes, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी आप इसका कंप्लीट कर सकते हैं दैट टू विद इन थर्टी डेज इज़ डे टू आवर्स आप दे के कर सकते हैं दैट प्रूव एन एंड टेस्टेड ओके बट अगर आपका बोध ग्रुप अगर है ठीक है तो बोध ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका बोध ग्रुप है और आपने इसका टच नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप ग्रुप वन कम्प्लीट कर लें ग्रुप वन क्यों कम्प्लीट क्यों क्यों करें क्योंकि ग्रुप वन ग्रुप वन के ओल्ड एंड न्यू में थोड़े ज़्यादा डिफरेंसेज हैं फॉर एग्जाम्पल एफ आर में काफ़ी चेंजेस हैं एन डी एस एंड ए एस वे पोर्शन में ठीक है, है। उसके बाद ऑडिट में भी कुछ चैप्टर्स में चेंजेस हैं लॉ में भी कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं वहाँ पे एस एफ एम भी चेंज है ठीक है तो पहले तो आपको ये ध्यान लेना है कि अगर आप का बौद्ध ग्रुप है तो इस अटैम्प में ये जो हमारा लास्ट अटेम्प है ओल्ड में उसमें तो आपको ग्रुप वन निकालना ही निकालना है देन अगर आपके पास टाइम है तो आप ग्रुप टू को दें दैट टू तो आप इसका को दें वरना आप इस बार सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन दें एंड देन न्यू में कन्वर्ट करके ग्रुप टू दें ठीक है अगेन दिस इज जस्ट माय सजेशन माय ओपिनियन बट अगेन आप कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है वी हैव अगेन गॉट सम डेज एक्स्ट्रा मेरी अटैम्प्ट के लिए तो अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप वो ग्रुप दें क्योंकि आ माइंड्स टू मेरा कल के तो अपन को कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए तो जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया कि पहले ग्रुप वन दो ग्रुप टू के बारे में ना सोचो या इसका ऐसे करो वैसे करो आपको अपना देखना है आपको एग्ज़ाम देना है मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना है ठीक है तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं आप ग्रुप वन भी कर सकते हैं ग्रुप टू में इसका फर्स्ट टाइम पढ़ के भी आप क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन ऑन यू तो अगर आप अगेन बोर्ड ग्रुप शॉर्ट 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 दें इसका इज अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट ओके तो मतलब बहुत कम पेजेस के हैं बहुत कम चैप्टर्स के हैं तो जस्ट बिकॉज आपका इसका न्यू वैट दैट डजेंट मेन कि आप ओल्ड से न्यू आप उसको नहीं कर पाओगे ओल्ड में क्रैक अगर आप थर्टी डेज दोगे इस डे टू आवर्स आपका आराम से इसका निकल जाएगा इस क्वेश्चन है कि कौन से बुक फॉलो करें इसका के लिए तो देखो मैं तो बेस्ट बताऊँगी आपको स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल ठीक है उससे बेस्ट कोई भी नहीं होगा बट अगेन यहाँ बहुत सारे फैकल्टीज हैं उनकी बुक भी आप रेफर कर सकते हैं आपके पास समराइज नोट्स होना चाहिए आपके पास रिवीजन मटेरियल होना चाहिए ठीक है तो मेरे टाइम मेरे रिवीजन मटेरियल्स मेरी ऑडियोज़ थे तो अगर आप उसको बना पा रहे हैं अपने ओन वॉइस में या कुछ कुछ चैप्टर्स के ऑडियोज़ मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में है वो आप यूज़ कर पा रहे हो तो दैट वुड भी बेस्ट मतलब लास्ट डे के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ आप कोई भी बुक रेफर करो बट लास्ट डे में आपके पास एक रिविजन मटेरियल होना चाहिए ठीक है चाहे वो आपके हैंड नोट्स हों आप कोई फैकल्टीज के बुक्स हों या कोई आपके कोई रिविजन वीडियोज़ हों यूट्यूब में रिविजन ऑडियोज हों को तो प्रीफर करें देखो मोरल लेस कंटेंट सारे फैकल्टीज के बुक में सब सेम रहता है आपको बस ये देखना है कि किस बुक को देख के आपको पढ़ने का मन करता है किस बुक से आप पढ़ पाते हैं समझ पाते हैं लोग फोविया बना लिए हैं कि स्टडी मटेरियल बहुत लेंदी है बहुत हार्ड हार्ड वर्ड्स है बट ऐसा कुछ नहीं है इनफैक्ट मैं पहले किसी फैकल्टी की बुक यूज़ कर रही थी तो मुझे आगे पीछे का समझ नहीं आ रहा था बट जो क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है वही समझ आ रहा था बट अगेन वेन वंस आई स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम स्टडी मटेरियल मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर होने लग गया अगेन ये ये मेरे ऊपर हुई थी ये डजेंट मैटर आपके ऊपर हुआ है नहीं हुआ है मतलब मेरा सजेशन होगा स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस फाइनल क्योंकि अभी एम सी क्यूज में आने लगे हैं कोई भी ज़रूरत नहीं है इतने सारे फैकल्टीज के थाउजेंड टू थाउजेंड एम सी क्यूज़ करने के लिए बस अब स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस फैनल से पढ़ लो आपको इनफैक्ट आई सी आई के भी कुछ गिने चुने ही एम सी क्यूज देखने पड़ेंगे सारे एम सी क्यूज नहीं देखने पड़ेंगे अगर आपकी पढ़ाई स्टडी मैट से हुई है तो क्वेश्चन है कि आई कूडन स्कोर फोर्टी प्लस इन नवंबर एट अटेम्प्ट तो बताओ मैं क्या करूँ तो इसके लिए अगेन आपको और कोई नहीं है बस आपको पढ़ना ही है तो अगेन डेली टारगेट स्टार्ट हो रखे हैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो और पॉजिटिवली हर दिन का टारगेट कंप्लीट करो नेक्स्ट डे दो बजे उसको लिख के देखो आप डेफिनेटली डेफिनेटली पास तो क्या आप सिक्सटी भी ला सकते हो एंड अगेन अपने रिविजन मटेरियल भी प्रिपेयर करो रिविजन मटेरियल मतलब एक चैप्टर आज आपने पढ़ा तो उसको क्या करो एक दो घंटे का ऑडियो बना लो ताकि एग्जाम टाइम वो एक दो घंटे का ऑडियो सुन लो या फिर जब आप सेकेंड रिविज़न करोगे वो एक दो घंटे का ऑडियो सुनोगे तो अगेन आप उसको शॉर्टर भी कर सकते हो जब आपका सेकेंड रिवीजन होगा आपका वो एक दो घंटे का ऑडियो 1.5 पॉइंट आर का ऑडियो भी बन सकता है ऐसे कर करके अपने रिवीजन मटेरियल को जितना शॉर्टर हो सके उतना शॉर्टर करो ताकि 1.5 डे में अच्छे से तैयारी हो पाए आपकी ओके नेक्स्ट है कि आई अप इन लास्ट डे प्रिपरेशन ड्यू टू सो मच टू रिमेंबर प्लीज़ इफ़ यू कैन गाइड मी थ्रू थैंक यू इन एडवांस ओके तो अगेन मैंने जो बताया कि अपने रिविजन मटेरियल पहले से बनाना स्टार्ट कर दो ठीक है अपन क्या करते हैं फर्स, फर्स फर्स है, फर्स है, अपन फर्स्ट मतलब अपन फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रीडिंग करते हैं फिर फर्स्ट सेकेंड रिविजन करते हैं उसके बाद अपन मतलब बेसिकली मैं इम्पोर्टेंस देना चाहूँगी आपको रिविजन मटेरियल में मैं ये बोल रही हूँ कि आपका अगर एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसी दिन वो चैप्टर को क्यूमिलेटिवली करके एक आइड्र समरी बना लो या कोई वीडियो को दो तीन बार देख लो ताकि इसको आप एग्जाम वाले दिन देखोगे तो जल्दी देख पाओ या अपने बेस्ट है अपने ही आवाज़ में ऑडियो बना लो उसका ठीक है देन जितने भी रिविजन्स होंगे अब आपको वो मेन मॉड्यूल जिसने आप वो रेफर नहीं करना है आपको आपके ऑडियोज रेफर करने हैं ठीक है वो ऑडियोज को दो तीन बार सुनो फिर एक बार क्या करो जब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है तो एक काम करो जो आपने ऑडियो बनाया था उसको और एक शॉर्टर ऑडियो बना लो ऐसे कर, कर कि आपके ऑडियो शॉर्टर होते जाएंगे एंड देन दैट विल हेल्प यू इन योर 1.5 पॉइंट फाइव डी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इससे क्या होगा आपको पता रहेगा फर्स्ट कि ये चैप्टर में वो कितने अगर आपका ऑडियो वन आ का है तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको पता रहेगा ऑब्वियसली कि ये चैप्टर मेरा वन आर में कम्प्लीट हो जाएगा तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ओके एंड देन आपके ही वॉइस में होगा तो आप थोड़ा फॉर्म uh, मतलब स्पीड uh, भी बढ़ा सकते हो प्लस आपको आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड एक बार आप पढ़ रहे हो आपका एक रिवीजन हो रहा है उसके बाद एक बड़ा ऑडियो बना रहे हो सेकंड रिवीजन हो रहा है उसको सुन रहे हो थर्ड रिवीजन हो रहा है उसके बाद एक छोटा ऑडियो बना रहे हो आपका फोर्थ रिवीजन हो रहा है बैठे बैठे ही हमारा फोर्थ फोर या फाइव बार रिविज़न हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली ही इसका सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड अगेन यू हैव टू प्री प्लान मतलब आपको प्री प्लान करना है कि आपको वन पॉइंट फाइव डे स्ट्रेट के दिन कैसे इसका को कवर करने है मतलब पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं पहले बाद में कौन से चैप्टर्स करने हैं वो सब प्री प्लान करके रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मैं इसका बहुत पढ़ा बट एट द एंड मेरे को कुछ एग्ज़ाम टाइम में याद नहीं रह रहा था तो देखो आ, इसका कोई अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है जस्ट लाइक ऑडिट है जस्ट लाइक लॉ है बस हाँ इसमें थोड़ा टेक्निकल जागरंस है तो उसके लिए आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस रिकमेंडेड है ठीक है उसको एक मतलब मैंने जो नोटिस किया है कि लोगों को बहुत डर है इसका सब्जेक्ट से ठीक है तो सबसे पहले अपने माइंड से तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है फाइनल आप फाइनल तक पहुंच गए हो आप ऑब्वियसली एक, एक सब्जेक्ट को तो आराम से टैकल कर पाओगे वो भी सिर्फ और सिर्फ आठ चैप्टर्स के जब हम डीटी डी जैसा जब हम एस एफ एम एफ आर जैसा बड़ा बड़ा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो आर्ट चैप्टर्स में क्या दिक्कत होगा ठीक है बहुत लोग इसका के लिए फेल होते हैं जबकि सबसे स्मॉलेस्ट पूरे सी ए नहीं पूरे फाइनल लेवल में जो है वो है इसका ठीक है तो सबसे पहले तो डर हटाओ सेकेंड आप इसको प्रैक्टिस करते जाओ आपको उसका रिविज़न बढ़ाओ आप उसको राइटिंग प्रैक्टिस करो आपका ऑटोमेटिक आपको एग्ज़ाम में याद रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ, क्या खाली प्रैक्टिस मैनुअल करने से एंड पास या कि पेपर करने से एनफ होगा तो नहीं एनफ नहीं होगा प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत तो कम क्वेश्चंस हैं हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस मैनुअल पहले कर लें फिर जो लेफ्ट ओवर कंसेप्ट है उसको मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रैक्टिस मैनुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं बट अगेन स्टडी मटेरियल को पूरा पूरा तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं हाँ पास्ट एग्जाम में कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं कि ज़्यादातर प्रैक्टिस मैनुअल से आते हैं बट यू कॉन्ट गारंटी दिस इज योर लास्ट अटैम्प एंड आप इतना बड़ा रिक्स नहीं ले सकते लास्ट अटैम्प्ट के टाइम पर तो आई वुड सजेस्ट कि खाली प्रैक्टिस मैनुअल और पास्ट एग्जाम के पेपर्स एनफ नहीं हैं स्टडी मेटेरियल आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन डेली टारगेट्स के ऊपर है कि क्या ये फर्स्ट टाइम स्टडी वाले के लिए भी एप्लीकेबल होगा तो लास्ट इसके जस्ट लास्ट वीडियो में डेली टारगेट्स के ऊपर uh, एक डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हैं एंड येस इट विल भी एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट टाइमर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस एटम में फिफ्टी टाइम इसमें बॉय ओके तो बेसिकली सेम क्वेश्चन है इसमें भी कि uh, कुछ कुछ मार्जिन से ग्रुप रह जा रहा है और इसका वन ऑफ द रीज़न है कि एग्रीग्रेट नहीं बन पा रहा है तो देखो अगर आपका आप पास हो जा रहे हो ना इसका में तो यू आर हाफ वे देय बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है तो व्हाट यू कैन डू इस चैप्टर वाइज का टेस्ट दे दो हर एक चैप्टर से टेस्ट दे दो या फिर कोई टेस्ट में एनरोल नहीं हो के पास एग्जाम मतलब मेरे जो डेली आगे इसके क्वेश्चन है खाली वो क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो एंड हर दो चैप्टर के बाद दस क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर लो एंड देन डू अ अक्मिलेटिव रिविजन एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर ठीक है ये ये बाकी सब्जेक्ट्स से जैसा ही है तो इसको इतना टेंशन लेकर पढ़ोगे तो इसकी पढ़ाई नहीं होगी क्वेश्चन है कि मैम क्या हम पीएम के क्वेश्चंस को बाय हार्ट कर लें और बाकी बाकी जो कंसेप्ट है उसको एक रीडिंग करके चले जाएं तो देखो ये आपको पास जरूर करा देगा बट अगेन एग्जामिशन के लिए थोड़ा दिक्कत होगा हाँ अगर आप पीएम के क्वेश्चंस बाय हार्ट कर रहे हो और बाकी कंसेप्ट को खाली रीड कर रहे हो वो भी फोर टू फाइव टाइम्स रीड कर रहे हो उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है आपका पासिंग मार्क आ सकता है बट फॉर एग्जाम्पन आपको पूरी अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी एंड उसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट प्लस की वर्ड्स एंड आपको क्या समझना पड़ेगा हेडिंग समझना पड़ेगा एंड उसका कंसेप्ट समझ के उसको की वर्ड्स को अपने सेंटेंस में फ्रेम करना पड़ेगा तभी तो आपके जाके एक प्रेजेंटेबल आंसर बनेगा एंड दैट विल गिव यू एग्जाम्शन ओके अब क्वेश्चन तो खत्म होते हैं बस एक क्वेश्चन जो बचा था कि की वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें तो वो मैं जरा आपको बता देती हूँ कि की वर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई होगा ओके फॉर कीवर्ड्स मैं एक एग्जाम्पल ले लेता तो हूँ चैप्टर नंबर सिक्स का स्टडी मटेरियल है ये ओके फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको बताया कंट्रोल्स एंड ऑडिट के ऊपर तो कंट्रोल्स में क्या होता है कि बेसिकली जो भी अनलॉफुल इवेंट्स होते हैं उसको अपन प्रीवेंट डिटेक्टिंग करेक्ट करना चाहते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है कि अपने को कंट्रोल क्यों रखना है व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंट्रोल तो उसके ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पे आपको कैसे जानना है कि की, की क्या है एंड देखो ये जो पॉइंट्स है ना ये आपके पॉइंट्स तो आपको ये पूरा बराबर याद रखना है ये जो आपके सात पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने ही लिखने हैं चाहे क्वेश्चन आपका चार मार्क का क्यों ना हो ठीक है यहाँ पाँच मार्क का क्यों ना हो आपको सात पॉइंट्स लिखने ही हैं ओके तो ट्राई करो कि निमोनिक बना लो कुछ ऐसा कुछ एक करना ट्राई एंड आपको आपको हेडिंग्स लिखने हैं हाँ थोड़े बहुत हेडिंग्स के वो वर्डिंग्स चेंज हो सकते हैं बट ट्राई करना कि ज़्यादा चेंज ना करें अब आते हैं बात अंदर की यहाँ पे फर्स्ट आपको हेडिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस तो बेसिकली अगर आप कंसेप्ट अगर हेडिंग पढ़ोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम कंट्रोल नहीं लगाए तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्टली अफेयर हो सकता है वो अगर हमारा डेटा लॉस होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉसेस ही होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को वो कॉस्ट पड़ सकता है ये आपका कहना चाह रहा है अभी अंदर है का पढ़ो कि डेटा एक क्रिटिकल रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोसेस एंड इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन अ चेंज इन इन्फॉर्मेंट तो बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो डेटा है वो एक क्रूशल चीज़ है और वो हमको हमारा प्रेजेंट के लिए भी है एज वेल एज़ फ्यूचर के लिए भी है और वो अपने को हेल्प करता है अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस में अडेप्ट करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए वो हमको हेल्प करते हैं तो बेसिकली अगर आप उसमें कीवर्ड्स देखोगे तो यहाँ पे आपको डेटा की तारीफ करनी है कि वो एक क्रूशल रिसोर्सेज है प्रेजेंट एज़ वेल एज फ्यूचर फ्यूचर के लिए है एडेप्ट एंड सर्वाइव ये आपके कुछ की हो गए आप इस की को अगर आप देखो आपने समझ आपको हेडिंग समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट ऑफ डेटा लॉस ये आपको पता है कि अगर डेटा लॉस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट कुछ बढ़ जाएंगे तो वो आप, उसको लिखना है इसका आपको कीवर्ड्स अगर ये याद रहेगा कि एक क्रिशियल रिसोर्सेज था उसमें और एक की था कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए है एडेप्ट एंड सर्वाइव के लिए तो बेसिकली एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो ये की को यूज़ करके समझ में आया सेकेंड क्या है कि कॉस्ट ऑफ इन करेक्ट डिसीज़न मेकिंग तो अगर हम डिसीज़न हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं ठीक है अगर उस डेटा में कंट्रोल uh, नहीं होगा तो हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं उससे वो डेटा गलत हो सकता है या फिर हम उससे इनकरेक्ट डिसीज़न बना सकते हैं एंड एक बार हम इनकरेक्ट डिसीज़न लिए तो अगेन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को वो कॉस्टली अफेयर हो सकता है तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन कंट्रोल्स टेकन बाय मैनेजर इन्वॉल्व डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्शन ऑफ द प्रोसेस दिस हाई लेवल डिसीजन रिक्वायर एक्यूरेट डेटा तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड होगा वो आपका डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्शन वाला होगा मतलब यहाँ पे ये यह बोल रहा है कि जो मैनेज manage, जो मैनेजर्स होते हैं जो हमारे जो हमारे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन कंट्रोल्स होते हैं उन उन लोग क्या करते हैं वो बेसिकली हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो तीन चीज करते हैं वो प्रोसेस को डिटेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं करेक्ट करते हैं ठीक है तो ये जो तीन चीज़ करने के ये जो, जो तीन चीज़ करते हैं उसके लिए उनको डेटा चाहिए रहता है तो जो ये जो हाई लेवल डिसीजंस वो लेते हैं क्या चीज़ का हाई लेवल डिटेन डिसीजन्स लेते हैं डिटेक्शन का इन्वेस्टिगेशन का एंड करेक्शन का उसके लिए उनको क्या चाहिए एक्यूरेट डेटा चाहिए एंड अगेन अगर अगर उस कंट्रोल पर सॉरी uh, उस डेटा पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो डेटा एक्यूरेट नहीं होगा एंड दे फॉर हम जो डिटेक्शन का इन्वेस्टिगेशन एंड एं करेक्शन का जो डिसीज़न लेंगे वो डिसीज़न गलत हो सकता है एंड जो अगर गलत होगा तो अगेन ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्टली पड़ सकता है मतलब उसको वापस से डिसीज़न लेना पड़ता है ले, लेना पड़ सकेगा विच विल अगेन इन्वॉल्व मोर कॉस्ट ठीक है

सेंसिटिव इफॉर्मेशनस का अनऑथराइज कॉपी कर लेना या अनऑथोराइज फिजिकल एक्सेस एक तो आपका कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकली आप अनऑथराइज़ कर रहे हो मतलब आपने जाके वहाँ का सी फोड़ दिया ये कुछ अगर आपने फिजिकल एक्सेस अनॉथराइज किया या फिर पेन ड्राइव इंसर्ट करके डेटाज़ ले लिया एक हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम है आपने वायरस डाल दिया आपको अपने उसको हैक कर लिया ये आपका अनोथराइज एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा फिर एक आपका अनोथराइज फिजिकल एक्सेस आ जाएगा और एक अनोथराइज कॉपीज ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो बेसिकली ये तीन चीज़ आपको अरे क्या आना है तीन नहीं तो दो तो लिख के आना है ऐसे समझ लो ठीक है उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर्सनल्स तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है इसका यहाँ पे क्या है कि ये जब ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं जो कि विजे से क्रेडिबल इंपैक्ट ऑन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस कंपिटेटिवनेस तो अपने पास हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए अपने पर्सनल्स अच्छे होने चाहिए अपने सॉफ्टवेयर अच्छे होने चाहिए ठीक है क्योंकि ये क्रेडिबल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्रिटिकल रिसोर्सेज याद रखना है क्रेडिबल इंपैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको कुछ याद रखने हैंक्स्ट क्या है हाई कॉस्ट कंप्यूटर एरर तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कंप्यूटर में एरर आ गया मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको क्या लिखना है देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है डेटा एरर ड्यूरिंग एंट्री और प्रोसेस और कॉज ग्रेट डैमेज तो आपको ये बात लिखना है कि जब हम इनपुट डालते हैं जब हम आ, तो उसमें अगर जब हम एंट्री कर रहे हैं उसमें अगर हमने कुछ एरर कर दिया तो उससे जो भी डेटाज आएंगे वो एरर डेटाज आएंगे तो जो डेटा से हम जो डिसीज़न लेंगे वो एरर डिसीज़न रहेगा और अगर अपन गलत डिसीज़न लेंगे तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना कॉस्ट इनकम करना पड़ेगा सही डिसीज़न लेने के लिए बाद में या फिर उसको नुकसान हो सकता है तो यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या हो सकता है कि हमने कब एरर किया है ड्यूरिंग द एंट्री या ड्यूरिंग द प्रोसेस ठीक है ये आपका एक कीवर्ड हो सकता है नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी के बारे में बताया है कि जो डेटाज हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखना है तो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज और बताया है कि पहले क्या होता था कि आ, हमारे पास यहाँ पे जो हम बिजनेस प्रोसेस का तो हमारे पास डिटेल्स हैं ही हैं उसके लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो हमारा है ही उसके साथ साथ बहुत सारे इंडिविजुअल का भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है फॉर एग्जाम्पल बैंक ले लो तो बैंक कैसे वर्क करता है उनका सीक्रेट क्या है उन लोगों का लोन वोन जो एक दूसरे से लेते हैं वो सब तो उनका सीक्रेट है ही उसके साथ साथ उनके जो कस्टमर्स हैं मतलब हम हैं हमारे जो भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं उनके पास तो उसको प्राइ उसका प्राइवेसी मेंटेन करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि हमको क्यों कंट्रोल रखना पड़ेगा ठीक है एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये लिखा है कि चलो पहले भी बिफोर कंप्यूटर्स तब भी हमारे पास इंडिविजुअल के इंफॉमेशन्स रहते थे बट अब भी क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं तो उसमें जो प्राइवेसी प्राइवेसी का इरोड होना बहुत ही वो क्या हो गया है मतलब एक बेगा फैक्टर हो गया है तो आपका इसमें कीवर्ड क्या हो जाएगा इसमें आपको मेंटेनेंस और प्राइवेसी में आपका बिजनेस प्रोसेस के साथ साथ आपको इंडिविजुअल के बारे में भी लिखना है कि यहाँ पे जो डेटाज होते हैं वो इंडिविजुअल के भी डेटाज रहते हैं ये आपका कीवर्ड होगा प्राइवेसी प्राइवेसी में बिज़नेस प्रोसेस तो लिखोगे ही लिखोगे उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में भी लिखना है एंड यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि पहले सिर्फ आने से पहले भी इंडिविजुअल का रहता था बट तब तो हम, हम, हमारे पास हमारे पास हैक होने का या कुछ ऐसा होने का डर नहीं था अभी डर आ गया है देरफोर हम लोग को कंट्रोल रखना है एंड लास्ट पॉइंट है कंट्रोल इवाल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यूज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट भी गारंटेड एंड द कंसिक्वेंसिस ऑफ यूज अनर रिलायल सिस्टम कैन भी डिस्ट्रक्टिव तो बेसिकली आप ये बोल रहा है कि हम कोई भी नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो रिलायबल है कि नहीं है वो कोई गारंटी नहीं दे सकता है एंड अगर हम अनरिलायबल वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो देन अगेन दैट वुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव तो यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी के बारे में लिखना है कि जो टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल नहीं है ये आपका कीवर्ड होगा एंड उसको आपको कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख के आना है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कीवर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हो तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो पॉइंट क्या वो है उसमें से दो या तीन या चार मैक्सिमम कीवर्ड्स निकलेंगे उसको अपने को इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्म करके आना है एग्जैक्ट सेम नहीं लिखना है ठीक है समझ में आया